नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। पूजा शर्मा आपके साथ। पहलवानों के समर्थन में मार्च निकाल रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और वही स्टूडेंट ने पुलिस पर अभद्रता और मारपीट का आरोप भी लगाया, जिसके बाद रविवार को बजरंग पूनिया ने छात्रों से समर्थन मांगा था, जिसके बाद पहलवानों ने स्टूडेंट्स के साथ दिल्ली पुलिस की अभद्रता की निंदा भी की। और वही दिल्ली पुलिस ने ये भी कहा कि उनसे प्रदर्शन के लिए न कोई अनुमति मांगी गई और न ही कोई सूचना दी गई। अगर उधर भारतीय कुश्ती संघ के यानी WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना जारी है, लेकिन उन्होंने दिल्ली पुलिस के सिक्योरिटी लौटा दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्होंने सुरक्षा दी गई थी, जिसमें 12 से 12 घंटे के शिफ्ट में एक एक सिपाही उनके साथ रखा गया था, जिसके बाद खिलाड़ियों ने कहा कि अगर वे जंतर मंतर पर भी सुरक्षित नहीं है तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।